जितना उसका ऑर्डर होगा उतने उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ जी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड जी, मतलब ऑर्डर ऑफ जेड जी, और प्लस में ये क्वांटिटी चली रही है कौन सी, दिस ए डजेंट बिलोंग जेड जी अपॉन मी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन मी ऑर्डर ऑफ एन ए, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर हमारी तीन एप्लीकेशन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जेड जी की वैल्यू निकालूँ, ऑर्डर ऑफ जेड जी निकालूँ, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको वहाँ भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी माइनस समीशन ए डजेंट बिलोंग टू जेड दिस ऑर्डर ऑफ जी अपॉन मी ऑर्डर ऑफ एन ए, ये आ जाएगा ऑर्डर इसका, समझ गए। ये है। अच्छा, इसके ऊपर तीन छोटी छोटी ब्यूटीफुल थ्योरम है और काफी इंटरेस्टिंग है ये। यहां से जो थ्योरम है, ये मान के चलिए जब सब्जेक्टिव पेपर होता था यहां से तो बिल्कुल पूछी जाती थी। ठीक है, आइए क्या है थ्योरम करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम करवा रहा हूं मैं, इसकी एप्लीकेशन क्या करवा रहा हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरम। और इस थ्योरम की जो है तीन छोटी छोटी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल थ्योरम है। पहले जो है मैं आपको थ्योरम करवाऊंगा और फिर उनका यूज करना सिखाऊंगा, मैं आपको क्या करना सिखाऊंगा, यूज। तो ऑर्डर ऑफ जेड जी किसके बराबर होता है, पहले तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस दिस ऑर्डर ऑफ इसका किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। एप्लीकेशन करते हैं, देखिए थ्योरम की, एप्लीकेशन नंबर वन क्या कहता है, कहती है लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ द ऑर्डर पी की पावर एन, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ये है हमारे पास। देन जो सेंटर आएगा ना जेड जी का, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा वन से, ये है थ्योरम। क्या थ्योरम, अगर हमारे पास, अगर इसको मैं अच्छे से लिखूं, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की कुछ पावर आ जाए, क्या अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की कुछ पावर आ जाए, तो उसका जो सेंटर बनेगा ना जेड जी, उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज्यादा होंगे। अब इसको कई ऑथर अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कई तो ये बोल देते हैं इसको जेड जी का ऑर्डर एक से बड़ा होगा, कई ये बोल देते हैं कि जेड जी का जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी होगा, कई ये बोल देते हैं जेड जी नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी, फिर कई ये बोल देते हैं जेड जी इज नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। नॉन ट्रिवियल किसे बोलते हैं, हम आइडेंटिटी को छोड़, ये सिर्फ आइडेंटिटी नहीं हो सकता, ठीक है, अलग अलग ऑथर की अलग अलग कन्वेंशन है। अच्छा, कई फिर ये बोल देते हैं पांचवा, जेड जी जो है ऑर्डर ऑर्डर चला हुआ, ये ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, या तो जेड जी इज नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, और यहाँ ऑर्डर ऑफ जेड जी नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, ये है थ्योरम। ये बोल दो कि ऑर्डर ऑफ जी वन से बड़ा है, या ऑर्डर ऑफ जी जेड जी ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, या ये बोल दो जेड जी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, ये बोल दो जेड जी जो है नॉन ट्रिवियल, या बोल दो ऑर्डर ऑफ जी जो है नॉट इक्वल टू वन है, ये सभी कन्वेंशन यूज की जाती है। ठीक है, कोई भी चीज बोल दो, अब बता रहे हूं कैसे, ये बताओ जेड जी है क्या होता है, इज ए सब ग्रुप,
क्या है, ये एक सब ग्रुप है, ठीक है। और एक चीज मैं जानता हूं, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। क्या कहेंगे, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ओके, अगर जेड इसकी इसके डिवाइजर देखो, इसको कौन डिवाइड करेगा, या तो वन डिवाइड करता है या फिर पी की पावर चलेंगी और लेस देन इक्वल टू एन से, ठीक है। मान लो ये होता ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास होता, मान लो पी की पावर 3, तो इसके डिवाइजर कौन बनता, या तो वन या पी या फिर पी स्केयर या फिर पी की पावर 3, समझ गए। अब मान लो ऑर्डर ऑफ जेड जी ये आपको गिवन है, ये आपका क्या है, वन से बड़ा है। अगर वन से बड़ा है इसका ऑर्डर, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कम से कम इसका ऑर्डर पी होगा, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसलिए मैंने ये बात बोली है, अगर जेड जेड जी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज़्यादा है तो इसका ऑर्डर ये बोल दो एक से बड़ा है, हाँ है, ये बोल दो। अच्छा, इसका एक से बड़ा होने का मतलब वन इसका डिवाइजर नहीं है, वन नहीं है तो इनमें से कोई होगा, इनमें से कोई होगा तो इसका जो ऑर्डर होगा कम से कम पी होगा, हो सकता है वो ये हो, नहीं कह सकते। अच्छा, इसका ऑर्डर वन से बड़ा है इसलिए जेड जी जो है ऑर्डर नहीं है, जेड जी क्या नहीं हो सकता, सिंगलटन आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगलटन आइडेंटिटी का तो ऑर्डर वन होता है, इसका ऑर्डर एक से बड़ा तो ये नहीं हो सकता। या जेड जी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा, ट्रिवियल सब ग्रुप कौन है, सिंगलटन आइडेंटिटी, और ऑर्डर जेड जी है वो वन नहीं हो सकता, ठीक है। ये सभी बातें इक्विवेलेंट है, मतलब ये है, हम ये कह देंगे, मान लो आपको एक ग्रुप दे दिया, इसका यूज बता रहा हूं क्या है, एक मान लो आपको एक ग्रुप दे दिया 8 ऑर्डर का, और 8 ऑर्डर का आपको ग्रुप दे दिया और ये बोल दिया जाए कि उसके सेंटर में कितने एलिमेंट है, वो कहता है एक ग्रुप है 8 ऑर्डर का और उसके सेंटर में एक एलिमेंट है, मैं कहूंगा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई ग्रुप लिया 8 ऑर्डर का, क्या लिख सकते हो मुझको, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो ये थ्योरम लग गई, और ये थ्योरम क्या कहती है, अगर ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम की पावर एन हो तो उसके सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट जाएगा। तो मैं ये बोल दूंगा अगर ऐसा है ना, तो जेड जी का जब आप क्या निकालोगे, सेंटर ऑर्डर निकालोगे जेड जी का, तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। जैसे Q8 पे आओ, 1 माइनस 1, i माइनस i, j माइनस j, k माइनस k, कौन से ऐसे एलिमेंट जो एवरी एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करते हैं, 1 और -1, तो जो सेंटर है Q8 का वो कौन है, 1 और -1, ऑर्डर कितना है इसका, 2। देखो ये रही, ऑर्डर एक नहीं हो सकता। D4 पे आओ, D4 की अगर मैं बात करूं, सेंटर कौन एलिमेंट जाएगा इसके पास, एक तो आइडेंटिटी और एक ए स्केयर, कितने एलिमेंट आ गए, 2। यानी कि ऑर्डर अगर किसी ग्रुप का किसी प्राइम की पावर एन हो, वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर, उसके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हम ये नहीं बता सकते कितने होंगे, बट एक चीज हम बता सकते हैं कि जितने भी होंगे ना, वो पी या पी से, यानी कि वन से तो ऑलवेज ग्रेटर होंगे, वो पी या पी से क्या होंगे हमारे, या तो वो पी होंगे या फिर क्या होंगे, पी से ग्रेटर होंगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू पी होंगे, ये बोल सकते हैं। पहले तो चलो इसका प्रूफ ले लीजिए, मुझे इसे इसका प्रूफ देखिए, कहता लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ द ऑर्डर पी एन, प्रूफ मुझे क्या बताना है, ऑर्डर ऑर्डर किसका, जेड जी का, एक से बड़ा होगा, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। देखिए प्रूफ, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ जी, अभी मैंने करवाया था, किसके बराबर होता है, ऑर्डर जेड जी का प्लस समीशन ए डजेंट बिलोंग टू जेड जी और ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए, ये होता है। इसकी वैल्यू निकालो तो यहाँ से ऑर्डर जेड जी क्या है, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी माइनस समीशन ए डजेंट बिलोंग टू जेड जी और ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए, ये है, ठीक है। अब मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं, मैं ये प्रूफ करने वाला हूं कि इसका जो ऑर्डर है ना, वो एक नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, कम से कम इसका ऑर्डर पी है,
कितना इसका ऑर्डर कम से कम पी। मैं ये दिखा दूंगा जो पी है ना इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, क्या दिखा दूंगा जो पी है इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी कि मैं ये दिखा दूंगा पी इसको भी डिवाइड करता है और पी इसको भी डिवाइड करता है। और मैं ये जानता हूं अगर पी जो है वो ए को डिवाइड करे, पी अगर बी को डिवाइड करे, तो पी डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को और पी डिवाइड करता है इन दोनों के सम को। मैं ये दिखा दूंगा पी इसको डिवाइड करता है और पी इसको डिवाइड करता, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी कर जाएगा, और इन दोनों के डिफरेंस का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ जेड जी। तो जो पी है वो डिवाइड कर जाएगा ऑर्डर ऑफ जेड जी। अगर कोई प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, या तो वो खुद होगा प्राइम नंबर, या उस प्राइम नंबर की क्या होगी कुछ पावर, या उसका मल्टीपल। ठीक है, मुझे यही दिखाना है। आइए, पहली बात तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है, ऑर्डर ऑफ जी है पी की पावर एन। लिख देता हूं इसकी वैल्यू, तो पी की पावर एन माइनस समीशन ए डजेंट बिलोंग टू जेड जी। अब ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी की पावर एन। एक बात बताओ, एन ए जो है, क्या जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है हमारे पास, इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, इसका ऑर्डर क्या होगा। पहली बात तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है, ई जे सब ग्रुप, ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ओके, और दूसरी बात ये जानता हूं मैं, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, क्या, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या एक सब ग्रुप है, और ये सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी की पावर एन, और पी की पावर एन को कौन डिवाइड करता है, या तो वन करता है, या पी करेगा, या पी इसकी पावर करेगी। पहली बात वन हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये जो है आइडेंटिटी, नॉर्मलाइजर में मैंने बताया था दो एलिमेंट तो जाएंगे ही जाएंगे, एक तो आइडेंटिटी और एक ए।